सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली के लेटेस्ट बयान सुनने के लिए सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपको एक अमेरिकी अचार था, अब तो था हो गया, है भी नहीं। सारे मौलियों को उसने वाटा चाटा किया। मैंने एक बयान में कहा था, एक बच्चे के हाथों से जलील होने वाला है तू, हो गया वो। अब देखो, उस बच्चे ने उसको ऐसा पसाया कि कोई इल्मी तौर पे किसी को काफिर कह दे तो काफिर उस पे कुफर नहीं लौटता। अब देखो, उसने हदीस पेश कर दी। हदीस क्या पेश की? वो साहबी रसूल जिन्होंने गजवा, वो बदरी साहबी थे, वो ख़त जो भेजा था आप अलैहिस्सलाम के दौर में खान की, भई ये मुशरिकीन ने मक्का को के, वो पूरी रिवायत है कि हज़रत अली को फिर हुजूर ने भेजा, सर कलम कर दूँ। तो कहा, ये देखो, ये अल्फाज हुजूर के सामने, देखो ये अल्फाज इस्तियारे के तौर पे इस्तेमाल किए असहाब रसूल ने। जहाँ भी कहा अल्लाह के दुश्मन फला, ये इस्तियारे में आते हैं। इसके मानी वही जानते थे कि वो क्या करते, तुम इस माने में पढ़ोगे ज़ाहिर में गुमराह हो जाओगे। ये एक साहब रसूल ने अदा किए और हुजूर के सामने किए, यही चीज़ें उठाते और तुम्हारे वजह से तुम माना करते हो अपने तरबियत, तुम्हारे लिए, उनके लिए नहीं है। इसकी वजह दो है। वो असहाब तो वहाँ हुजूर ने क्या फरमाया, बदरी साहबी है, क्या है, ये नहीं कहा कि उमर तुमने इसको मुनाफिक क्यों कहा। तुमने कहा यहाँ उसने हुजूर के सामने कहा, वो बच्चा भी कहीं यहाँ हज़रत उमर से गलती, तो ये नहीं कह सकता कि हज़रत उमर से गलती हुई। ये बहुत बड़ी बात होगी कि हम बोलेंगे, जब हुजूर ने नहीं फरमाया गलती नहीं हुई तो तुम कौन होते हो। जहाँ असहाब रसूल की गलती पे हुजूर फरमा दे कि तुमने गलती की है तो उसको तो बयान किया जा सकता है, मगर कहीं हदीस से खुद इस्तदलाल लेंगे कि साहबी ने गलती की, क्योंकि हुजूर कह सकते हैं, क्योंकि हुजूर है वो, अल्लाह फरमा दे तुम भी कर दे वो फरमा दे। बाकी किसी आलिम को, किसी मुज्तहिद को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी साहबी को कहे कि इसमें गलत है। ये इल्मी दौर है, क्या है, और इल्मी दौर के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने क्या बशरी तकाजों के एतबार से क्या बातें होती थी, इल्मी एतबार से क्या बातें हुई हैं। आपको अहादीस मुबारक में अगर इसको लेना भी था तो इल्मी लिहाज से आप इधर समझ दें कि हुजूर ने इस पर जब कलाम नहीं किया तो ये बशरी बातें हैं, फितरी चीज़ें, माहौली चीज़ें, हुजूर ने इसको कुछ नहीं फरमाया। जैसे आप गुस्से में आकर के एक दूसरे को कुछ बोल दो तो अब ये माहौल जो उलमा का गर्म होता है, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते, ये हो रहे, एक को मुनाफिक बोल रहे थे, लेकिन हम दोनों को आलिम मानते कि नहीं मानते, तो ये चीज़ मज़मूम नहीं समझी जाती, और फ़याम में भी अब मज़मूम नहीं समझी जाती। हमारे एक बुज़ुर्ग है, इंतकाल हो गए ज़रूरी साहब, वो जब भी बयान करते थे तो किस उनके यहाँ एक ही बात होती है, फ़लाँ जंदीक है, मुर्तद है, फ़लाँ है, ज़नातका पहला रहा, ये पहला रहा, ये उनका मिजाज था, मगर वो बात लोगों को अच्छी लगती थी, सुनने वाले मज़े, बहुत से फॉलोअर है। इसी तरह एक मैंगल साहब है, वो भी जब तक लोगों को ना सुना दे तो लोगों को उनका बयान मज़ा नहीं करता। अब अगला जो सुनता है, जो उसको नहीं जानता, वो कहता है यार ये कैसा मौलवी है, लेकिन जो सुन रहे होते हैं वो इसीलिए आ रहे होते हैं कि ये सुने। तो हर वली का एक मिजाज है, और वो जब रगड़ने पे आते हैं तो किसी ना मौलवी को छोड़ेगा ना किसी को छोड़ेगा, मगर वो बातें मज़ा करती है। इस तरह हमारा एक मौलवी गुजरा, मौलाना बिजलीगर साहब, वो मिंबर और मेहराब पे शुरू हो जाता था, वहाँ लोग मजा खलक खान मज़े के लिए, और जो मुखालिफ होते थे वो एतराज करते थे, और जो मोहब्बत करने वाले थे तो एतराज नहीं करते। अब ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अपनी मौज, इसी तरह रवाफिस जितने वो अपने बड़ों के बारे में गुमान कर ले कि वो अपने बड़ों की बात, जो बड़े उनको डांटते हैं, उस्ताद मारते हैं, तो क्या वो उनको बुरा समझा जाता है या अच्छा समझा जाता है। हर आदमी का एक टीचर है ना, हर देखो महबूब हर किसी का है, हर महबूब अपने महबूब पे उसको कयास कर ले, समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरा बार इसी तरह हमारे देवबंदी हैं, हम अपने बुज़ुर्गों के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा उसको गालियाँ देता है। हर फिरके के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, अहले हदीस के बुज़ुर्ग है वो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, दूसरे की, हर आदमी अपने बुज़ुर्गों का तो एहतराम करता है मगर दूसरे बुज़ुर्गों की
छपत लगा रहा होता है कि नहीं। तो ये रिवायतों से फिर वो कहेगा देखो इसने साहबी को मुनाफिक कहा है। क्या कहा है? बड़े दर्जे का साहबी किसी छोटे साहबी को कह दे तो ये मजमूम नहीं होता, लेकिन एक बंदा आमी सा आदमी साहबा के बारे में बात कर ले तो ये मजमूम है, ये काबिल मुजम्मत है। बादशाह को अगर बादशाह कुछ कह दे तो काबिल मुजम्मत नहीं होता, वजीर को वजीर कुछ कह दे तो उस पर कानून लागू नहीं होता, लेकिन जब आवाम वजीर का गिरबान पकड़ ले तो कानून लागू हो जाता है। SHO आके सिपाही को थप्पड़ मार दे वर्दी में, उसको पर कानून लागू नहीं होगा, लेकिन एक आम आदमी आकर के वर्दी पकड़ ले इस पर कानून लागू होगा। तो इसमें उसको फंसा दिया, कहते ये माफूम साहब निकलता है कि ये हुजूर के सामने फरमाया तो इससे कुफर नहीं होता, तुम बार बार ये हदीसें लोगों को पेश कर, अब वही इसका ये मतलब नहीं है, तुमने हुजूर पे झूठ बांधा। उसको बोलता है कह रहे हुजूर ने कहा कि इल्मी तौर पे जो कुफर बोले वो काफिर नहीं है। मैंने कहा अभी ये पागल है, ये तू जो इतनी तकरीरें करता है हदीस से निकल के तू झूठ नहीं बांधता। एक हदीस बयान करता है एक घंटा तकरीर जो तू झूठ झूठ मारता है, वहाँ किस रिवायत में सहाबा को हुजूर ने काफिर कहा है? तुम्हारे पास कोई हुक्म है? जन्नती का हुक्म होगा। क्या होगा? सित्ता मियार बयान किए। ये चीज़ें आप लोगों की समझ में इसलिए, ये भी सरगर्दा है, सीधी सीधी हदीस पढ़ लेते हैं, हदीस समझना आसान है, कुरान समझना आसान है, ये क्यों ये सीधे सीधे तर्जुमों वालों की यार कहते हैं, फिर अपनी अकल तोड़ाते हैं। कुरान में कसस क्या है, मुहक्कम क्या है, तंबीह क्या है, मसल क्या है, अहादीस में भी यही है, कौन सा कानून कहाँ से निकलता है, जरह व तादील क्या है, यह है जरह व तादील। अस्हाबे रसूल के दरमियान में जो चीज़ हुई बाद में एक कानून बन गया, इसको कहते हैं कानून जरह व तादील। उसमें इससे भी बढ़कर बातें एक वली से दूसरे वली रावियों पर की होती है, मगर इसको कोई मजमूम नहीं समझता, न उस कहने वाले को गलत कहता है न जिसके बारे में कहा गया उसको गलत समझा दे। ये रवाफिज़ को इल्मी दलीलें दे रहे हैं, यह राफ़िज़ी भी नहीं।